अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हसीन तरीन मनाजर दिखाने के लिए। यानी कि है हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है काकुल रोड एबटाबाद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको दिखाएंगे। हम जा रहे हैं टाउनशिप एबटाबाद में चेयर लिफ्ट दिखाने के लिए और रास्ते के हसीन मनाजर आपको दिखाएंगे। स्कूलों का शहर एबटाबाद, बहुत प्यारी जगह, और रास्ते में जो जो मुकाम आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। शॉर्ट सी वीडियो है, पूरा देखिएगा मुकम्मल डिटेल के साथ। अभी हम गुजर रहे हैं अलैसी मस्जिद के मकाम से। तीन रास्तों के ज़रिए आप आ सकते हैं, काकुल रोड से आ सकते हैं, मिसाइल चौक से जो है रास्ता एंटर होता है, और साफ़ सुथरा जो है मरी रोड, वहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं। साफ़ सुथरे से मुराद ट्रैफिक थोड़ी सी कम होती है वहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं अलैसी मस्जिद से जैसे गुजरेंगे तो हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, और यहाँ से जो है अलैसी मस्जिद के पास से जो चेयर लिफ्ट का रास्ता बनता है वो 6 किलोमीटर बनता है। ये आप देख सकते हैं, हम जाएंगे और आगे से फिर हम जो है लेफ़्ट टर्न लेंगे, जो रास्ता मुड़ता है। आप साथ साथ देखिएगा, मुकम्मल तफसील है इस वीडियो में। हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम थोड़ा सा आगे चले हैं तकरीबन 1/2 किलोमीटर, और यहाँ से हमने फिर लेफ़्ट टर्न लिया है। और आप देख सकते हैं हम एबटाबाद जो टाउनशिप है एबटाबाद के हदूद का, उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह पाकिस्तान की खूबसूरती की वीडियो देखना चाहते हैं या नारायण का गान, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ टूरिज़्म है हम उनकी अपडेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं, तो वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पर हसीन मनाजर, और आगे हम चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं। सड़क बल खाती हुई ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रही है और रास्ते के मनाजर जो हैं हसीन से हसीन तर होते जा रहे हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं इस दफ़ा। ये आप देख सकते हैं हसीन तरीन मनाजर आपको देखने को मिल जाते हैं रोड के दोनों साइड पे। ऊपर जाके हम आपको टिकट वगैरह भी दिखाते हैं, टिकट कितने का है और क्या कुछ सहूलियात हैं। और जब भी आप कभी के आए इन इलाकों की तरफ ज़रूर आया करें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही हसीन मकाम, और सबसे बड़ी बात पुरामन इलाका यहाँ का। अभी तो खैर आपको इतना रश नज़र नहीं आ रहा, सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन 3 बजे के बाद पिछले टाइम अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ हम एक जगह पे रुके हैं, आप देख सकते हैं पुरसकून माहौल में, और बादल भी यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं हमने अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया। आगे चल के आपको दिखाते हैं मज़ीद डिटेल। हम आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, और अगर गाड़ी की बात की जाए तो कोई भी गाड़ी आ सकती है आराम से, तमाम गाड़ियाँ आ सकती हैं, छोटी बड़ी बाइक सब गाड़ियाँ आ सकती हैं, रास्ता खुला है। सड़क की चौड़ाई काफ़ी बड़ी है, अगर आप टोस्टर वगैरह में आना चाहें ग्रुप के साथ तो उसमें भी आ सकते हैं। दिलकश दिलफरेब पहाड़ी सिलसिला एबटाबाद का। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं एबटाबाद चेयर लिफ्ट के पास। सामने रेड कलर की बिल्डिंग अगर आपको दिखाई दे तो यही जगह है। चलें आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गेट लगा हुआ है, इधर से हम एंट्री लेंगे। बाहर ही पार्क करना पड़ती है आपको गाड़ी वगैरह, और ये जिप लाइन इनकी बनी हुई, यहाँ से सामने स्लाइड करके आ सकते हैं जिप के ज़रिए। जिप लाइन की चार्जेस की बात की जाए तो 400 रुपये का टिकट है। हसीन तरीन पूल, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये इनकी बिल्डिंग है, आइए ऊपर चल के देखते हैं चेयर लिफ्ट वाली जगह, और फिर चेयर लिफ्ट पे बैठ के उस साइड पे जाते हैं। कितना सफ़र है सब कुछ आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट चल रही है यहाँ पे, और टिकट की बात की जाए तो उस साइड पे 2.5 किलोमीटर तकरीबन सफ़र बनता है, और 600 रुपये टिकट है यहाँ का।
और यहाँ से व्यू चेक करें आप, कुछ ड्रोन शॉट भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, हसीन मनाजर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये व्यू आपके सामने, बहुत ही पुरामन माहौल और पुरसकून जगह यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी के उस साइड पे ये चेयर लिफ्ट जाती हैं, और होटल के ऊपर से कुछ इस तरह के मनाजर हैं। और आइए आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू, अभी हम बैठ चुके हैं चेयर लिफ्ट पर और 600 रुपये टिकट के साथ अभी उस साइड पे जाते हैं। हमें तो कुछ डिस्काउंट मिल गया इनके ऑनर से, बहुत शुक्रिया आपका। और उस साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं हसीन मनाजर। ये हमारे दोस्त बिलाल पहली दफ़ा इस साइड पे आए हैं, चेयर लिफ्ट पर बैठे हैं, थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, मजबूत तरीन पोल लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी आराम से बैठते हैं। बहुत ही प्यारा और हसीन मनाजर आपके सामने। ये आप देख सकते हैं धूप निकली है तो थोड़ी सी खूबसूरती और निखर के बाहर आ रही है इस इलाके की। आगे जाके आपको दिखाते हैं कहाँ पे और कैसे लैंड करना है, वापसी पे दिखाते हैं। यहाँ पे होटल भी आपको मिल जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, वहाँ के रूम दिखाते हैं और उनके जो है रूम रेट दिखाते हैं, अगर आप रात को स्टे करना चाहें या दिन को स्टे करना चाहें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमें कुछ घर नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ पे, और मकई की जो है फसल काश की हुई है। और हम यहाँ पे उतरने वाले हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के जो है व्यू पॉइंट। ये हम उतर चुके हैं चेयर लिफ्ट से, ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से बंदा उतर जाता है। ये कुछ इस तरह से मनाजर यहाँ को देखने को मिलते हैं यहाँ से। और ये देखें कुछ इस तरह से लड़के उतरते हुए चेयर लिफ्ट से। और यहाँ पे जो है झूले वगैरह लगाए हुए हैं, आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है, चाय मिल जाती है और पकोड़े समोसे मिल जाते हैं। और ये बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा दोस्त भी बच्चा बना हुआ था जैसा आपने देखा झूले के ऊपर। और ये पानी साफ शफाफ पानी आ रहा है, पानी के अंदर कैमरा डालते हैं और आपको दिखाते हैं पानी के नीचे की जगह किस तरह दिख रही है, पानी के अंदर का व्यू कैसा है। ये आप देख सकते हैं पानी के अंदर का व्यू, कुछ इस तरह के ड्रोन के शॉट आपको दिखाते हैं। और पहले आप देख लें ये यहाँ के ओनर हैं, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, और आपको स्क्रीन पर शो और होगा ये इनका नंबर है। आप इनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं, बहुत ही नफीस किस्म के आदमी हैं, और मज़ीद रूम की डिटेल्स भी आपको इनसे मिल जाएगी। और यहाँ एक बड़े मज़े की बात मुझे लगी है कि जो
चीज़ों के रेट हैं जैसे पापड़, पेप्सी वगैरह के, तो सेम वैसे ही हैं जैसे सिटी के अंदर होते हैं। कोई इजाफी चार्ज नहीं करते। कमाल की असीन और खूबसूरत वादियाँ एबटाबाद की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट उतरी थी, यानी कि चेयर लिफ्ट ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया था और यहीं से हमें पिक करेगी। और साथ में दो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होंगी, और ये यहाँ का रिफ्रेशमेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको साथ वाली बिल्डिंग से समोसे, पकोड़े और चाय वगैरह मिल जाती है आराम से। और कुछ इस तरह से मनाजर हैं चेयर लिफ्ट के आने जाने के लिए। अभी चलते हैं वापस और आपको दिखाते हैं रूम के रेंट। आते हुए चेयर लेफ्ट से हमने यहाँ पे एक आबशार देखी थी और हमने कोशिश की कि हम आबशार आपको ड्रोन के ज़रिए दिखा सकें, लेकिन थोड़ा सा नीचे होने की वजह से बहुत कम तादाद में पानी नज़र आ रहा है हमें। और हम आ चुके हैं वापस स्टार्ट पॉइंट पे, जहाँ से हमने चेयर लेफ्ट के ज़रिए उस साइड का सफ़र किया था। ये होटल रूम से आप देख सकते हैं बाहर के हसीन मनाजर। ये फैमिली रूम आपको मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, और इनके पास जिप लाइन आप सामने देख सकते हैं। और ये दूसरा रूम भी आप देख सकते हैं, फैमिली के लिए साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरे रूम, बहुत ही प्यारी जगह, पुरसकून जगह। आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ इंजॉय कर सकते हैं, रात स्टे कर सकते हैं, और आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी, खाना वगैरह, चाय, पकौड़े, समोसे, हर चीज़ आपको मिल जाती है। इनके पास अपनी टक शॉप भी है और अपना किचन भी है। और कुछ इस तरह से रूम आप देख सकते हैं, और जो रेंट होता है इन रूम का वो मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, रश के हिसाब से। आप रब्ता कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे शोर होगा, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेटेड वीडियो के लिए वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी।